दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी देवी देवताओं के पास कोई न कोई अस्त्र और शस्त्र जरूर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ था और किसने दिया था? आइए हम आपको बताते हैं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र हासिल करने की कहानी। दरअसल जब एक बार दैत्यों के अत्याचार बढ़ गए थे, तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास आए और दैत्यों का वध करने के लिए प्रार्थना की। दैत्यों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना करने लगे। वह 1000 नामों से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को यह न पता चल सका। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन फूल नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना कमल नयन रूपी नेत्र निकाल कर शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति को देख कर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों का नाश करने के लिए अजय शस्त्र का वरदान मांगा और भगवान शिव ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया।